हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मार्गरेटा चीज़ पिज़्ज़ा। इसमें हमें ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लगने वाली नहीं होती हैं, तो यहाँ आप चाहें तो घर में ही इसका डो बना सकते हैं, और चाहें अगर इंस्टेंट आपको पिज़्ज़ा रेडी करना है या गेस्ट आ गए हैं या आपको एक दिल चाह रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी पिज़्ज़ा मिल जाए, तो मैं जैसे एडवांस्ड मैं रखती हूँ इसको स्टोर करके, तो ये रेडीमेड पिज़्ज़ा डो में लेकर आई थी। मतलब इसका जो बेस बना हुआ होता है ये मैं मार्केट से अभी लाई थी, तो मैं आपको बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़ा का जो बेस है उसको मैं इसका मार्गरेटा चीज़ पिज़्ज़ा बनाकर आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने किया क्या है कि मेल्टेड बटर को इस पे ब्रश कर लिया था, और चाहे स्पून के उल्टे तरफ से आप इस पे स्प्रेड कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप आपको फॉलो करनी है, आप इस पे मेल्टेड चीज़ जो क्रीम चीज़ होता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऊपरी लेयर पे। बट आपने जैसा वीडियो में देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा कोई ऐसा नॉन स्टिकी पैन को आप उसकी जो ऊपर सतह होती है उसको अच्छे से बटर या ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, ताकि हमारा पिज़्ज़ा का नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा अच्छे से थोड़ा सा बेक हो जाए। पूरा बेक नहीं करना, और जैसा कि मैंने फ्रीज से निकाला था तो इसमें जो मॉइस्चर था वो भी थोड़ा मुझे इसमें से हटाना था, और साइड की जो आसपास के राउंड सर्किल में जो बना हुआ है इसकी कोरे किनारे जो होते हैं इसको आपको ध्यान रखना है कि ये कच्चा ना रहे। तो सिर्फ आपको 2 या 3 मिनट जल्दी से बिल्कुल लो फ्लेम पर रख के उल्टा पलटा करना है इसको, और उसके बाद आपको जैसा मैंने बताया है कि हमारी क्रीम पिज़्ज़ा की लेयर इस पे जाएगी, प्लस इस पे जो हमारा पिज़्ज़ा सॉस होता है उसकी लेयर जाएगी। उसमें आप टोमेटो सॉस और केचप दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं, और फिर हम ग्रेटेड चीज़ जो होते हैं प्रोसेस्ड चीज़ को हमने ग्रेट कर लिया था उसका हमने इस पे डाल दिया, और इस पे क्रीम चीज़ का भी हमने बीच बीच में ऐड कर दिया था। जैसे मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये पिज़्ज़ा सॉस गया और बटर इस पे ऑलरेडी गया हुआ था, और ये जितना भी मेरा प्रोसेस चीज़ प्लस क्रीम चीज़ मैंने बीच बीच में जो स्पेस खाली था वहाँ पे क्रीम चीज़ को मैंने इसमें भर दिया। थोड़ा सा मेरे पास बटर भी बच गया था, तो मैंने इसको डिलीशियस बनाने के लिए इसमें बटर भी ऐड कर दिया। तो आप चाहें जितना आपको जायका पसंद है इस पर, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 1 पिंच हल्की सी चुटकी भर नमक और मिर्च की आप इन टमाटर की स्लाइसेस लगा कर आप इस पर छिड़क सकते हैं ऊपर से, और आप इस पे काली मिर्च का पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगानो फ्लेक्स, और जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो पाउडर, जैसे मसाला पाउडर कोई ज़्यादा ही आपको अच्छा लगता है तो उस पे रख सकते हैं, छिड़क सकते हैं। और आप इस पे जो सोया है सोया भी आप इस पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ टमाटो के स्लाइसेस लगाए हैं 5, एक पिज़्ज़ा पे 5 और एक पिज़्ज़ा पे 5। यहाँ मैं 2 पिज़्ज़ा आपको बेक करके बता रही हूँ। अगर किसी के पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है या ओवन भी नहीं है तो तवे पे सिंपली एक स्टैंड रखना है, उस पे एक नॉन स्टिकी सा बर्तन रखना है जिसमें कोई हैंडल ना हो, उसको ग्रीस करना है, फिर उसमें आपको ये पिज़्ज़ा रख देना है, और बिल्कुल स्लो आपकी फ्लेम होनी चाहिए, और आपको इसको एक ओंढे से स्टील बेस्ड बर्तन से ढक देना है,
और इसको थोड़ी देर में चेक करते रहना है। इसको आपको हर 5 मिनट में इसके पास आते रहना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि नीचे से लेयर जलने लग जाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और फ्लेम बिल्कुल ही आपको लो रखनी है। यहाँ मुझे फिक्स 15 मिनट दोनों पिज़्ज़ा को रेडी करने में लगा। अब मैं इसको कट करके आपको बता रही हूँ। ये हमारे मार्गरेटा चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गए हैं, आधे घंटे में 2 पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स, आप